अगर बात करें हम कितने राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, तो टोटल पूछे तो 9 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन 8 राज्य हैं। चलिए सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एक परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ उत्तर प्रदेश के बारे में आज हम बात करेंगे, और जितने भी डायमेंशन हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानना है कि आखिर उत्तर प्रदेश के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, विधानसभा की कितनी सीटें हैं, विधान परिषद की सीटें कितनी हैं, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है, ठीक है। तो इन सभी मुद्दों पर जो है आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश एक परिचय, उत्तर प्रदेश का इंट्रोडक्शन, उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं, क्योंकि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा, उत्तर प्रदेश एक परिचय। अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश का, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानने से पहले यह जरूर जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश यूटी, जिसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं, दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है। 8 राज्य, जैसे मैंने बोला 8 राज्य, 8 स्टेट जो है 8 राज्य और एक यूटी, यानी कि 1 यूटी कौन है, यूटी जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली, यानी कि टोटल अगर पूछे तो टोटल आप कहेंगे कि टोटल 9 राज्यों से जो है सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसके साथ साथ अगर उत्तर प्रदेश के बारे में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बॉर्डर लगती है, यानी कि उत्तर प्रदेश की अगर जिलों की संख्या देखी जाए तो 75 जिले हैं, और उस 75 जिलों में से जो डिस्ट्रिक्ट्स में 7 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, यानी कि नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं, इस बात को भी आप सभी को जानना चाहिए, ठीक है। तो अगर टोटल पूछे कि टोटल कितने हैं, तो टोटल हमारे हो जाएंगे आपके, टोटल अगर आपसे पूछे तो टोटल आपके कितने राज्य हो जाएंगे, टोटल पूछे तो कुल अगर पूछे तो 9 हो जाएंगे, राज्य पूछे तो 8 हैं, अगर यूटी को मिला लिया जाए तो टोटल 9 हो जाएंगे, ठीक है, इस बात को भी हम सभी को जानना चाहिए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य, जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है, और लेकिन उत्तराखंड के गठन के पूर्व, यानी कि जो चूंकि उत्तर प्रदेश से एक अलग राज्य उत्तराखंड का गठन हुआ था सन 2000 में, चूंकि यूपी से उत्तराखंड एंड बिहार से झारखंड एंड मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़, मध्य बिहार से झारखंड एंड एमपी से जो है छत्तीसगढ़ राज्य, यानी कि 3 राज्यों का सन 2000 में क्या हुआ था, पृथककरण हुआ था, अलग हुए थे। तो चूंकि अगर उत्तराखंड को देखा जाए तो उत्तराखंड भी जो है यूपी का ही पार्ट था सन 2000 के पहले, लेकिन सन 2000 में यूपी से अलग करके उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया, ठीक है। अगर यूपी की पॉपुलेशन देखा जाए तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, 24 करोड़ की जनसंख्या है, 24 करोड़ की जनसंख्या है, जो कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है, पाकिस्तान से भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। चलिए, इसकी सीमाएं, यानी कि उत्तराखंड के गठन के पूर्व जो है उत्तर प्रदेश की सीमाएं चीन के तिब्बत से भी जुड़ी हुई थी, इतनी बड़ी अपनी उत्तर प्रदेश था। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। अगर गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर हैं इस समय कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें उत्तर प्रदेश दिवस का, तो 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश दिवस, चूंकि संयुक्त प्रांत के नाम से इसे जाना जाता था, इसलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। और 2018 से लगातार जब से नई सरकार आई है बीजेपी की, तो उन्होंने जो है 2018 से लगातार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में भी घोषित किया है, इस बात को भी आप सभी को जानना चाहिए, 24 जनवरी, ठीक है। 1950 को इसका नाम क्या रखा गया था, संयुक्त प्रांत रखा गया था, इसीलिए जो है 24 जनवरी का दिन जो है डिसाइड किया गया है उत्तर प्रदेश दिवस मनाने के लिए। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में और भी थोड़ा सा बात करें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, देखिए उत्तर प्रदेश के अगर देखेंगे टोटल जिलों की संख्या जो है वो 75 है। अगर ईस्ट में देखा जाए तो ईस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम क्या है, ईस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है जिसका नाम है बलिया, बागी बलिया, जिसे हम बलिया के नाम से जानते हैं। वेस्ट में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है शामली, क्या नाम है इसका, दिल्ली एनसीआर में ये सम्मिलित है, शामली नाम है इसका।
अगर नॉर्थ में देखा जाए, साउथ में तो एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सहारनपुर है, और सहारनपुर आप देखेंगे उत्तराखंड से भी सीमा साझा करता है, सहारनपुर जो है हरियाणा से भी सीमा साझा करता है, और हिमाचल प्रदेश से भी सीमा साझा करता है। अगर साउथ में देखा जाए तो साउथ में एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र, यानी कि सोनभद्र जिसे कहते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है, रावणगंज में है, और सोनभद्र वो जिला है उत्तर प्रदेश का जो चार राज्यों से सीमा साझा करता है। ये भी क्वेश्चन लगातार आपकी पेपर में पूछता है। सोनभद्र से अगर आप देखेंगे तो बिहार से सीमा साझा करता है, सोनभद्र देखेंगे तो झारखंड से भी सीमा साझा करता है, सोनभद्र एमपी से भी सीमा साझा करता है, और छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश के पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है एंड दक्षिण में कौन है। तो पूर्व में देखेंगे, अगर ईस्ट में देखेंगे तो बलिया है, बागी बलिया, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह का जो है गृह जनपद है बागी बलिया, यानी कि बलिया जिसे कहते हैं। इसके साथ साथ पश्चिम में देखेंगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो शामली है। अगर उत्तर में देखा जाए, सबसे टॉप पे देखा जाए, ऊपर देखा जाए तो वो आपका सहारनपुर जिला है, और सबसे साउथ में यानी कि दक्षिण में देखा जाए तो वो आपका सोनभद्र जिला है। और जैसे मैंने कहा कि सोनभद्र वो जिला है जो चार राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, वो बिहार के साथ भी करता है, वो छत्तीसगढ़ के साथ भी करता है, वो मध्य प्रदेश के साथ भी करता है, इसके साथ साथ झारखंड के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। और ये जितना भी बात मैं बोल रहा हूँ ये सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए, ठीक है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह का, तो राजकीय चिन्ह क्या है, मछलियां एवं तीर धनुष, ठीक है, एक वृत्त में मछलियां और तीर धनुष जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है, चिन्ह है। ये पेपर में लगातार ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो राजकीय पक्षी जो है हमारा सारस या क्रौंच जिसे कहते हैं, ये उत्तर प्रदेश का राजकीय क्या है, ये राजकीय आपका पक्षी है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो फ्लास का पुष्प जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु पूछे तो राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है। अगर उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष पूछे तो अशोक या सीता अशोक का पेड़ जो है वो राजकीय जो है उत्तर प्रदेश का वृक्ष है। तो ये जितना भी मैं आपको बोल रहा हूं ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है। आपकी दो बड़ी परीक्षाएं हैं, एक समीक्षा अधिकारी यानी कि रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का री एग्जाम है जो कि पेपर जनवरी में हुआ था, और वो पेपर रिशेड्यूल हो गया है जो कि दिसंबर में, वो एक बड़ी परीक्षा है। और इसके साथ ही साथ जो है यूपी पीसीएस अपर का भी जो पेपर है वो भी अक्टूबर माह में जो है घोषित है, डिक्लेयर है। तो आपको जो है जो तैयारी करनी है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी लेकर चलेंगे, और इसके साथ साथ मेंस चूंकि फिफ्थ पेपर और सिक्स पेपर, यानी कि पूरा का पूरा होलिस्टिक जो अप्रोच है हमारा, ऑप्शनल जिसे कहा जाता था पहले, उस पेपर की जगह पर अब जो पांचवा पेपर और छठवां पेपर आ गया यूपी का, उसके हिसाब से भी हम लोग मेंस ओरिएंटेड भी पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं और आगे। उत्तर प्रदेश का राजकीय भाषा क्या है, हिंदी और उर्दू। चूंकि उर्दू को 1989 में 1989 में जो है उत्तर प्रदेश का द्वितीय जो है भाषा घोषित किया गया था, यानी कि अगर प्रथम पूछे तो हिंदी तो है ही है चूंकि हिंदी बेल्ट है उत्तर प्रदेश। इसके साथ साथ द्वितीय ऑफिशियल भाषा पूछे तो आप कह सकते हैं उर्दू है, जिसे 1989 में जो है घोषित किया गया है। तो ये भी आपको, ये सब चीजें भी आप सभी को याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर हम क्षेत्रफल के दृष्टि से देखें, एरिया वाइज देखें उत्तर प्रदेश का, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में अगर देखें एरिया वाइज, चूंकि उत्तर प्रदेश का जो एरिया है अगर क्षेत्रफल में देखें तो क्षेत्रफल में हमारा चौथा स्थान है। चूंकि पहला स्थान, चूंकि पेपर में पूछता है, पहला स्थान है राजस्थान का, ठीक है। दूसरा स्थान जो है क्षेत्रफल में देखेंगे वो है आपका मध्य प्रदेश का। तीसरा स्थान अगर क्षेत्रफल में देखेंगे तो वो है महाराष्ट्र का। एंड चौथा स्थान देखेंगे क्षेत्रफल में, वो है अपना उत्तर प्रदेश का, ठीक है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का चूंकि क्षेत्रफल में अगर आप देखें तो क्षेत्रफल में चौथा स्थान है। फर्स्ट पोजीशन पे कौन है आपका, आपका राजस्थान है। सेकेंड पोजिशन पे आपका मध्य प्रदेश है। थर्ड पोजिशन पे देखेंगे तो आपका महाराष्ट्र है। एंड फोर्थ पोजिशन एरिया वाइज देखा जाए तो वो आपका उत्तर प्रदेश का है। जबकि जनसंख्या के मामले में, यानी कि पॉपुलेशन के मामले में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। एंड सेकेंड स्थान देखेंगे, सेकेंड पोजीशन जिसे कहा जाता है, सेकेंड पोजीशन जो है वो आपका महाराष्ट्र का है। ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्षेत्रफल यानी कि एरिया वाइज, चूंकि राजस्थान का एरिया ज्यादा है, क्षेत्रफल ज्यादा है, लोग कम है, इसलिए राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ज्यादा है, इसलिए राजस्थान फर्स्ट पोजिशन पे है। मध्य प्रदेश सेकेंड पोजिशन पे है, थर्ड
पोजीशन पे आपका महाराष्ट्र है एंड फोर्थ पोजीशन पे जो है आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तम प्रदेश है। और यूपी का तो स्लोगन ही है कि मुस्कुराइए आप उत्तर प्रदेश में है। चलिए आगे बात किया जाए तो फर्स्ट पोजीशन आपका राजस्थान, सेंड मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देन उत्तर प्रदेश। अगर उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल जियोग्राफिकल जो है देखा जाए, जियोग्राफिकल जो है अगर एरियाज देखा जाए तो ये आपका 224,928 वर्ग किलोमीटर है। याद रखिएगा 224,928 वर्ग किलोमीटर है जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 328,700 जो है 328,763 वर्ग किलोमीटर जो है किलोमीटर है। और इसका परसेंटेज देखा जाए तो 7.33% है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रदेश की कुल लंबाई अगर देखा जाए तो कुल लंबाई जो है 650 किलोमीटर है, जो कि अगर प्रदेश की कुल लंबाई अगर देखेंगे तो 650 किलोमीटर है। और ये पूरब से पश्चिम यानी कि ईस्ट टू वेस्ट अगर आपसे पूछे तो ईस्ट टू वेस्ट जो लंबाई है वो 650 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। जबकि चौड़ाई देखा जाए 240 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण किलोमीटर, तो उत्तर से अगर दक्षिण देखेंगे तो ये आपका 240 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। तो क्षेत्रफल हुआ, एरिया हुआ और भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा। अगर उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य बात किया जाए तो सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र अगर देश पूछे तो वो देश कौन है, नेपाल है। वो देश कौन सा है, नेपाल है। और जैसे मैंने कहा उत्तर प्रदेश के 7 जिले, याद रखिएगा 7 जिले जो हैं वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। किसके साथ, नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और वह सीमा देखा जाए जो मैंने कहा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और एक ऐसा देश है नेपाल जो उत्तर प्रदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है यूपी में, चूंकि 75 जिले हैं और इन 75 जिलों में से जो है 7 जिला जो है नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। अगर बात करें हम कितने राज्य उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं तो टोटल पूछे तो 9 राज्य ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन 8 राज्य हैं उसमें और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसे यूटी कहते हैं, यूनियन टेरिटरी कहते हैं, जो कि दिल्ली है। यानी कि टोटल 9 है, 1 8 राज्य है, 8 स्टेट है और एक आपका यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। और वो कौन कौन से है, हरियाणा जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, यूनियन टेरिटरी दिल्ली है सीमा साझा करता है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, इसके साथ साथ उत्तराखंड भी चूंकि उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ से सीमा इसकी लगती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है आपके पेपर में पूछता है। सिर्फ 2 जिले उत्तर प्रदेश के दिल्ली से सीमा साझा करते हैं जिसमें गौतम बुद्ध नगर है आपका और गाजियाबाद है, ये भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश ने आगरा और मथुरा जो है उत्तर प्रदेश की जो है, अगर बात करें हम उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2 जिले, याद रखिएगा सिर्फ 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, आगरा है और आपका मथुरा है। याद रखिएगा राजस्थान के साथ अगर पूछे तो राजस्थान के साथ हम सीमा साझा करते हैं वो आगरा और मथुरा जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं, और वो दोनों के दोनों जो है राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चूंकि बगल में भरतपुर है। आगे अगर हम बात करें उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हुए हैं। अगर यूपी का चूंकि पार्ट था उत्तराखंड और हसीन वादिया जो है उत्तराखंड आपका, और अब जो है उत्तराखंड जो मैंने बात किया उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो है उत्तराखंड राज्य से सीमा साझा करते हैं। और ये 7 राज्य कौन है, बरेली, दूसरा है रामपुर जहां का कैंची बड़ा फेमस है, चाकू बड़ा फेमस है, मुरादाबाद जो कि पीतल नगरी के नाम से जाना जाता था मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, ठीक है, ये भी सहारनपुर, पीलीभीत और बिजनौर, ये सभी के सभी जो है उत्तराखंड के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, बिजनौर से ही गंगा नदी एंट्री करती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सीमा साझा किसके साथ करते हैं, चूंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड के 7 जो है जिले सीमा साझा करते हैं, तो याद रखिएगा अगर आपसे पेपर में पूछा जाए कि यूपी से उत्तराखंड के कितने जिले लगे हुए हैं तो यूपी के 7 जिले जो है उत्तराखंड से लगे हैं, यानी कि उत्तराखंड से कितने जिले हैं, 7 जिले जो है सीमा साझा करते हैं। जबकि पड़ोसी देश नेपाल से उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हुए हैं जिसमें से 1 जिला है जिसका नाम है महाराजगंज। महाराजगंज अगर आप जाओगे, चूंकि महाराजगंज की जो स्थिति है वो आपका कहां पर है, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 1 जिला है जिसका नाम है महाराजगंज, और महाराजगंज जो है आपका नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें श्रावस्ती, चूंकि आप देखेंगे
गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, लेकिन सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया था वो दिया था श्रावस्ती में। और श्रावस्ती जो है, मैंने कहा कि वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसके साथ अगर आप देखेंगे तो बलरामपुर है आपका, लखीमपुर खीरी जो है, सिद्धार्थ नगर है, पीलीभीत है, और बहराइच। ये जितने भी मैं आपको नाम दे रहा हूं, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे हैं और आपसे पूछ लेगा कि आप बताइए कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जो जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, उसमें आपका माली कुशीनगर नाम दे देगा। और आजकल देख रहे हैं कि सरकार प्रमोशन कर रही है किसका, जितने भी बौद्ध सर्किट है उनको जोड़ने की बात कर रही है, जितने भी रामायण सर्किट है उनको जोड़ने की बात की जा रही है। तो ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए। बिहार से अगर पूछा जाए, बिहार से उत्तर प्रदेश के कितने जिले जुड़े हैं, तो बिहार से भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हुए हैं। अगर आप बिहार की स्थिति देखें तो बिहार चूंकि पड़ोसी राज्य है हमारा, चूंकि बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 जिले जुड़े हुए हैं, वो जिले कौन कौन से हैं? महाराजगंज है आपका, सोनभद्र है, जैसे मैंने कहा कि सोनभद्र तो वो जिला है जो उत्तर प्रदेश के 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। सोनभद्र जो है मध्य प्रदेश से भी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी करता है, बिहार से भी करता है और झारखंड से भी करता है। गाजीपुर है आपका, चूंकि काशी की बहन गाजीपुर को कहा जाता है और उत्तर प्रदेश का एकमात्र अफीम फैक्ट्री जो है वो गाजीपुर में है। इसके साथ साथ चंदौली जो है आपका, बनारस के बगल में चंदौली है, वो भी आपका बिहार के साथ सीमा साझा करता है। बागी बलिया जो है आपका, चूंकि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह जी का गृह जनपद है बलिया, और बलिया भी जो है आपका सीमा साझा करता है आपका बिहार के साथ। देवरिया आपका चूंकि बगल में जो है सिवान जिला डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट हो जाता है, वो भी सीमा साझा करता है। और कुशीनगर यानी कि कुशीनारा चूंकि मल्लों की राजधानी थी और गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी, ये भी आपको बिहार के साथ सीमा साझा करता है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिहार के साथ कौन सीमा साझा करता है। अगर हम बात करें हरियाणा का, चूंकि हरियाणा से उत्तर प्रदेश का बहुत पुराना नाता है और उत्तर प्रदेश के 6 जिले जो है हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। पहला है आपका मथुरा भी करता है, शामली भी करता है चूंकि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में शामली है, सहारनपुर, जैसे मैंने कहा कि सहारनपुर जो जिला है वो 3 राज्य जैसे कि एक आपका हरियाणा से ही करता है, एक आपने जैसे मैंने कहा उत्तराखंड से करता है शामली, और एक आपका जो है आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश के साथ भी सीमा साझा करता है। इसके साथ साथ अगर देखेंगे गौतम बुद्ध नगर जिसका मुख्यालय नोएडा है, वो भी हरियाणा से सीमा साझा करता है। अलीगढ़ जहाँ का ताला बड़ा फेमस है, वो भी आपका हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। और बागपत जो है वो भी आपका हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश के टोटल जो है 6 जिले जो है वो आपका हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं। इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। अगर हम बात करें आगे, अगर मैं हम बात करें यहां पर उत्तर प्रदेश में अगर जिलों की संख्या देखी जाए, तो उत्तर प्रदेश में जो जिलों की संख्या है, तो जिलों की संख्या कितनी है? 75 उत्तर प्रदेश में जिले हैं, ठीक है। अगर मंडल पूछे जिलों की संख्या कितनी है, 75 है। अगर हमारा उत्तर प्रदेश में मंडल पूछे कितने मंडल हैं, तो टोटल 18 मंडल है। टोटल कितने मंडल है उत्तर प्रदेश में? 18 मंडल है। अगर हम लोकसभा सीटों के बारे में बात करें, तो लोकसभा सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश में? तो लोकसभा सीटों की संख्या हमारी कितनी है? लोकसभा की 80 सीटें हैं। राज्यसभा की सीटों के बारे में बात किया जाए, तो राज्यसभा में आपकी 31 सीटें हैं। विधानसभा में बात की जाए, तो विधानसभा में 403 सदस्य हैं। और विधान परिषद की बात की जाए, तो विधान परिषद में आपके 100 सदस्य हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है और कोई भी प्रधानमंत्री बनता है उसका दरवाजा उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता भी है, चूंकि सीटें ज्यादा हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, तो ये भी हम सभी को याद रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज और याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश किस राज्य के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, तो वो राज्य और कोई नहीं, वो राज्य आपका मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है, वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, चूंकि मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, मिर्जापुर जहाँ की विंध्याचल देवी का मंदिर है मिर्जापुर में, चूंकि मिर्जापुर क्या है, एक मंडल भी है और जो मंडल होते हैं वो जिला भी होते हैं, तो मिर्जापुर है आपका। सोनभद्र मैंने बताया ही आपको, ये भी आपका मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। आगरा भी आपका मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। इटावा भी करता है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर जहां का तांबा फेमस है ललितपुर का, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, इसके साथ साथ प्रयागराज, ये सभी के सभी जिनका नाम मैंने लिया, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो इस बात को भी आपको जानना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अगर पूछे सबसे ज्यादा किसके साथ सीमा साझा करता है, तो वो जो है याद रखिएगा मध्य प्रदेश है।
सहारनपुर जिले से सटे कौन कौन से राज्य हैं, तो सहारनपुर अगर आप जाएंगे सबकी चूंकि उत्तर प्रदेश के उत्तर में देखेंगे तो सहारनपुर है, और सहारनपुर से हरियाणा भी टच होता है, उत्तराखंड भी टच होता है, और हिमाचल प्रदेश भी टच होता है। यानी कि टोटल देखेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल यहाँ पे 3 जिले हो जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा कौन सा जिला है, तो एक जिला है जिसका नाम है ललितपुर, जो कि तांबा के लिए फेमस है, और ये तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ये जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबा सीमा वाला राज्य कौन सा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया मध्य प्रदेश है, जबकि उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वही मैंने कहा हिमाचल प्रदेश है, क्योंकि सहारनपुर जाएंगे आप तो वो थोड़ा सा बॉर्डर जो है वो हिमाचल प्रदेश के साथ टच होता भी है। आगे अगर हम बात करें और ठीक है, तो मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जो है 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा कौन से जिले स्पर्श करते हैं, वो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, जबकि सबसे कम जिला एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, वो है आपका ललितपुर, जैसे मैंने कहा अभी 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। अगर हम नदियों के बारे में, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में अगर हम बात करें, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियां कौन कौन सी है, गंगा जी हैं उत्तर प्रदेश में, जमुना जी हैं, रामगंगा है, बेतवा है, घाघरा है, गोमती है और केन है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की एक प्रमुख नदियां हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं अगर हम उत्तर प्रदेश में, अच्छा उत्तर प्रदेश का देश में किसके किसके उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का गेहूं के उत्पादन में जो है प्रथम स्थान है, मसूर के उत्पादन में जो प्रमुख स्थान है, इसके साथ साथ कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी प्रथम स्थान है, कुल सब्जी उत्पादन में, बागवानी उत्पादन में, आलू उत्पादन में, आम उत्पादन में, इसके साथ साथ अमरुद, चूंकि इलाहाबाद का अमरुद काफी फेमस है, आंवला, चूंकि प्रतापगढ़ आंवला, याद रखिएगा आंवला उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में सबसे ज्यादा चीनी मिलों होने का रिकॉर्ड भी था वो उत्तर प्रदेश के पास था, और आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता था, और सबसे पहली जो चीनी मिल लगी थी वो देवरिया जिले में 1903 में लगी थी, प्रतापपुर में लगी थी, और सबसे ज्यादा चीनी मिले होने का गौरव प्राप्त था, और आज स्थिति ऐसी है कि सारी की सारी चीनी मिलें जो है बंद पड़ी है। उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में जो है प्रथम स्थान पर है, दूध के उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, और इसके साथ साथ मांस के उत्पादन में भी जो है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये भी आपसे पेपर में पूछता है कि किस में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, जैसे मान लीजिए पूछ दे आंवला के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, तो ये याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं, चलिए अगर पूछे दूसरा स्थान किसका किसका है, तो दूसरा स्थान आपका चावल में है, ठीक है, इसके साथ साथ चीनी में है, और बाजरा के उत्पादन में भी जो है दूसरा स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा चावल, चीनी और बाजरा में दूसरा स्थान है, लेकिन दलहन के उत्पादन यानी कि दाल के उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है, जबकि तंबाकू उत्पादन में जो है तीसरा स्थान है उत्तर प्रदेश का, थर्ड पोजीशन है, तीसरा स्थान है। इसके साथ साथ रखिए अरहर उत्पादन में, अरहर में भी तीसरा स्थान है। इसके साथ साथ सरसों के उत्पादन में भी देखा जाए तो सरसों के उत्पादन में भी जो है उत्तर प्रदेश का 4था स्थान है। तो प्रथम स्थान किस में है, याद रखिएगा क्योंकि सब्जी उत्पादन में, आंवला के उत्पादन में, गेहूं के उत्पादन में, जो याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर हम लोग और बात करें इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कौन सा ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा मक्का का उत्पादन करता है, तो मक्का का उत्पादन करने वाला जो जिला है उसका नाम है बहराइच, और बहराइच किसके साथ सीमा साझा करता है, तो बहराइच से एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है जिसका नाम है नेपाल, ठीक है, याद रखिएगा। और नेपाल तो पड़ोसी देश है और हमारा बहुत ही पुराना नाता है नेपाल के साथ, चूंकि हम बड़े भाई की तरह है, जब भी उसके ऊपर आपदा कोई आती है तो सबसे फ्रंट पे खड़ा होता है वो देश भारत ही है नेपाल के लिए। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश सर्वाधिक चना उत्पादन कहां पर होता है, तो झांसी, याद रखिएगा झांसी जो है सबसे ज्यादा चना का उत्पादन झांसी में किया जाता है, जबकि चावल के उत्पादन में देखा जाए उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, क्योंकि उत्तर प्रदेश वाले जो है दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान पर वो जो है जिला है राज्य है उसका नाम है पश्चिम बंगाल का, यानी कि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, लेकिन पहला स्थान है कौन, पश्चिम बंगाल है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है, तो गेहूं उत्पादक जो जिला है, चूंकि उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान है उत्पादन में, हरदोई जो है वो जिला है।
उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन होता है, तो बाजरा का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है आगरा में होता है, और जैसे मैंने कहा कि आगरा वह जिला है जो राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है, ठीक है, आगरा और मथुरा राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं। तो जितना भी उत्पादकता जो मैं आपको बता रहा हूं इसको याद रखिएगा, और ये आपसे पेपर में लगातार ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। और आगे हम बात करें अगर इस पे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला कौन सा है, तो ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादक जिला है वह है बांदा जिला, ठीक है याद रखिएगा। जबकि गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है, जैसे मैंने कहा भी है कि सबसे ज्यादा चीनी मिले होने का रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश के नाम ही था, लेकिन दुर्भाग्य है इस समय उत्तर प्रदेश में जो चीनी मिलों की स्थिति है, ठीक है, चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। जबकि चीनी उत्पादन में अगर देखा जाए तो अभी भी दबदबा बना हुआ है, इसका दूसरा स्थान है, क्योंकि पहला स्थान जो है महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो ये जितनी भी आपको मैंने आपको डेटा दिया ये काफी इंपॉर्टेंट है, और उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण है आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे आरओ वाले चाहे पीसीएस का जो भी पेपर होने वाला है। इसके साथ साथ हम लोग ऐसे ही सीरीज लेकर उत्तर प्रदेश का चलेंगे जिसमें वन्य जीव संस्थान या उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के बारे में जो है उसकी ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, या उत्तर प्रदेश में कितने भी जो है एक्सप्रेस वे हैं, जैसे मान लीजिए गंगा एक्सप्रेस वे है, ठीक है, या हमारा यमुना एक्सप्रेस वे है, या ताज एक्सप्रेस वे है, या गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे है, ठीक है, जितने भी हैं इन सभी के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। ताज एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे या लखनऊ एक्सप्रेसवे, उन सभी के बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे, या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, और उत्तर प्रदेश में जो परिवहन की बात है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी एयरपोर्ट हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओवरऑल जितने भी करके हम लोग उत्तर प्रदेश का पूरा समग्र होलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है अध्ययन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो है एक छोटा सा परिचय था उत्तर प्रदेश का, और वो आज चूंकि मैंने शुरुआत अभी किया, और उत्तर प्रदेश में चूंकि उत्पादकता के बारे में, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, इसके साथ साथ स्पीकर सतीश महाना जी हैं उत्तर प्रदेश के, और उत्तर प्रदेश काफी बड़ा है, चूंकि मैंने शुरू में ही कहा कि सबसे ज्यादा सीटें वाला राज्य कोई है तो वह है उत्तर प्रदेश, इसीलिए कोई भी प्राइम मिनिस्टर बनता है तो उत्तर प्रदेश से होकर उसका रास्ता गुजरता है, ठीक है। तो मुस्कुराइए, आप उत्तर प्रदेश में हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।